आज हमने इस आधुनिकता के दौर में यातायात के अनगिनत साधन खोज लिए हैं। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि कल जो रिक्शे वाले हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हुआ करते थे, आज वही रिक्शे वाले अपने वजूद की तलाश में हैं। क्या हमें कभी इस बात का एहसास हुआ कि इस जल्दबाजी और भागम भाग की दौड़ में कुछ अपने काफी पीछे छूट गए हैं? शायद नहीं। बस अड्डे। अरे भैया, बस अड्डे। क्या बात कर रहे हैं साहब, आप कहाँ जा पाएंगे? अरे भैया, सुनो तो। भाई साहब बैठो ना। ये चाचा आगे बढ़ो। अरे भैया बैठ जाओ ना, कम पैसा लेंगे। आगे बढ़ो चाचा। अरे हम छोड़ देंगे भैया। तुम बैठ जाओ भैया। बैठो भाई। अरे बैठो, एक सवारी। बैठो। गुस्सा हो रही हो? मैंने बोला ना मुझसे बात मत करो। अरे लेकिन क्यों बात ना करूं यार? क्या हुआ ऐसा? मुझे कुछ नहीं सुनना बस। अरे तो फिर मतलब बात क्यों नहीं कर? कुछ नहीं सुनना। अरे यार तो तुम फिर गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पे? और तुम फिर कुछ बता भी नहीं रहे हो मुझे। अरे तुम ये कहां लेकर आ गए हो? तुमने तो बोला था तुम मुझे मूवी दिखाओगे। बेबी मेरे पास पैसे नहीं है यार। तो मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, मूवी दिखाऊंगा। पक्का। और मैं लंच भी करूंगी। ओके लंच बेबी? हाँ तो फिर मैं नहीं जा रही। ठीक है, मैं लंच भी कराऊंगा। हाँ। अब खुश है? यार तुम बिना गुस्सा मत किया करो यार फिर। अरे अपना जमता है थोड़ा सा टनी है। तुम यार जब देखो तब गुस्सा करती हो। तुम बोलो तो कुछ भी कर दो तुम्हारे लिए, ये छोटी मोटी चीजें क्या बोलती रहती हो। आजा चलते हैं, मस्ती करते हैं। अरे थोड़ा बहुत चलता है तुम्हारा रिक्शा, लेकिन तुम थोड़ा सही जाओ। रिक्शे वाले दादा, सिनेमा हॉल चलोगे? हाँ। बैठो। आज मजा आएगा।
करना क्या चाहता है, है? बेकार परेशान होती रहती हो तुम, खुश रहा करो तुम। थोड़ा सा बात तो किया करो मुझसे। और लंच में मैं फ्राइड राइस खाऊंगी क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे चाचा ये पसीना सीना बाद में पहुंचना, शो का टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी वहाँ पे। हाँ चल रहे बेटा। अरे टाइम से पहुंचा पाओगे तो फिर जल्दी पहुंचाओ फिर वहाँ पे। हाँ बेटा। अरे तुम बैठो यार हंस के, चलो चलो भी बता। होता है कभी कभी आ जाते हैं लोग, ताकत है नहीं जल्दी रिक्शा लेके, तुम बैठो भी आराम से। मोबाइल निकालो सेल्फी खींचते हैं यार, चलो। हाँ उधर सारे साल सही से यार, ऐसे ऐसे अरे एकदम स्टाइल इज बाय दोनों एक दूसरे के साथ। चलो केक करो सही से, कर रही हूँ ना ये। अरे उस दिन तो मजा ही आ गया। बाबूजी यहाँ तक के 20 रुपए होते हैं? पागल हो गए हो क्या? मैं हमेशा 10 रुपए दे के आता हूँ यहाँ पे। बाबूजी होते तो 20 ही हैं। अरे आप 15 ही दे दीजिए। अरे पागल हो गया क्या है? अरे हटो, लेट हो रहा है यार, जाने दो, हटो। अरे कुछ भी मतलब 20 रुपए होता है। चलो बेबी, पता नहीं कहाँ से आ जाता है 20 रुपए चाहिए इनको। बढ़िया है। रवि एक काम करो, तुम गाड़ी लेके घर जाओ, मैं रिक्शे से आती हूँ, ठीक है? दादाजी आवाज तक चलोगे? हाँ चलेंगे ना, चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, असल में सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसीलिए ये परेशानी हो रही है। हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं, तुम हमें पैसे कम दे देना, सोच क्या रही हो बेटा? आओ बैठो बैठो बैठो, सही से बैठ जाओ, बैठ जाओ। Thank you.
हाँ बस 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 दादाजी बस। कितने पैसे हुए दादाजी? जो दिल करे दे दो बेटा, मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए मेरे साथ। किधर बेटा? मेरे घर दादाजी। वो क्या है ना, आप मुझे बेटा कह रहे हैं तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना आपके लिए, और मेरा पर्स भी मेरे पास नहीं है अभी। अरे नहीं बेटा, शाम हो रही है, एक दो सवारी और मिल जाएगी तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। आप पैसे लाके यहीं दे दो बेटा। मिल जाएगी सवारी आपको। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक सवारी का किराया दे दूंगी, ठीक है? अब चलिए मेरे साथ, अब कुछ मत बोलिए, चलिए। अरे हमको कहाँ ले जा रहे हो बेटा? अरे लेट हो जाएगा बेटा। चलिए ना, कहाँ ले जा रहे हो? अरे लेट हो जाएगा। आराम से आइए आइए आइए, बैठिए दादाजी। दादाजी अब बैठिए, मैं आपके पैसे लेके आती हूँ, ठीक है? दादाजी ये रहा गर्मा गर्म खाना, अब खाइए। ये लो दादाजी, अब खाना खाओ, उसके बाद मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो भी डबल किराया, एक मेरा और एक एक्स्ट्रा सवारी का। क्या हुआ दादाजी, क्या सोच रहे हो? खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। कुछ नहीं बेटा, आज तक इतनी इज्जत कभी किसी ने नहीं दी। इसीलिए विश्वास नहीं कर पा रहा, लोगों ने हमेशा गालियां दी। समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोलूं। अब कुछ मत बोलिए, बस चुपचाप खाना खाइए, मैं पानी लेके आती हूँ। अभी लेके आती हूँ।
जी, ये रहे आपके पैसे और ये रहा आपका टिफिन। इसमें मैंने खाना रख दिया है, तो आपको खाने की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है? अरे नहीं बेटा, इतना एहसान भला कैसे चुका पाऊंगा मैं? मुझ गरीब के लिए इतना किया है, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखे। दादाजी, तुमको एक खुशहाल लंबा जीवन दे, ताकि तुम हम जैसे मजबूर लोगों की कभी कभी मदद कर दिया करो। धन्यवाद बेटा। और हाँ, अब कोई किराया नहीं, इतना किया है वही बहुत है। दादाजी, मुझे रुलाने के लिए मैं अंदर लेके नहीं आई थी आपको। ये लीजिए टिफिन, और कल वापस कर दीजिएगा, क्योंकि कल से आप काम नहीं करोगे। आप मेरे घर पे काम कर सकते हो। मेरे घर काम करोगे ना? मैं बूढ़ा तुम्हारे घर में क्या काम कर सकता हूँ? दादाजी, वो जो मेरा गार्डन है ना, उसमें जो पेड़ पौधे हैं, उसे बस आप सुबह शाम पानी दे दीजिएगा, इतना तो कर लोगे ना? हाँ, इतना तो कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर दूंगा। लेकिन दादाजी, मैं सैलरी सिर्फ 15,000 ही दे पाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा, कम है, ठीक है, लास्ट 20,000, उससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, इतने में कर लोगे ना आप? बहुत है बेटा, ये बहुत है। दादाजी, मुझ बूढ़े को इतने पैसे कौन देगा, वो भी इतने से काम के लिए? तुम जितने पैसे दोगी मैं काम कर लूंगा, और इसके अलावा भी जो तुम काम बताओगी वो मैं कर लूंगा, कर लूंगा। धन्यवाद बेटा। अच्छा, मैं चलता हूं। दादाजी, ये टिफिन और ये पैसे लेके कौन जाएगा? हम लेके जाएंगे बेटा, और कौन? धन्यवाद बेटा। दादाजी, अपना ख्याल रखना। ईश्वर तुम्हें खुश रखे बेटा। वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा दिल इतना अच्छा हो सकता है। अच्छा, मेरा मजाक? अरे नहीं, वैसे एक बात बोलूं, I'm lucky to have you in my life. Same here.